चाय चिप्स बोले चिप्स बोले चाय पापा निकल रहे। वेलकम बैक। आपने क्लिप्स देख ही ली होंगी, हम लोग जा रहे हैं एंड हुआ ये कि हम कल ट्रेन में थे, हमारा बैग किसी के साथ एक्सचेंज हो गया एंड वो हम लोग ग्वालियर आ गए हैं। बैग है हमारा लुधियाना में, तो अभी हम मैं सो के मैंने मुंह भी नहीं धोया, मैं ऐसे ही निकल गया। तो हम जा रहे हैं बैग लेने हमारा। लकीली लाइक हमने IRCTC को काफ़ी लाइक मैंने ट्वीट किया 139 पे कंप्लेन की एंड उन्होंने काफ़ी हेल्प की एंड वाया करके फिर एक फिरोजपुर कंट्रोल रूम से एक लेडी थी, उन्होंने हेल्प की बहुत ज़्यादा एंड उनकी वजह से हम उन लोगों से कांटेक्ट कर पाए जो हमारा गलती से बैग ले गए थे एंड अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं। उनसे बात हो गई है एंड हम उनसे अपना बैग ले जा रहे हैं। उनका बैग हमारे पास है, वो छोड़ गए थे, तो हम उनका बैग देने जा रहे हैं। तो अभी हम मिलते हैं रास्ते में। अभी हमें योगेश को लेना है क्योंकि योगेश भी हमारे साथ जा रहा है, अंकित हमारे साथ जा रहा है एंड पंकज हमारे साथ जा रहा है। अब हम मिलते हैं योगेश को पिक करते हुए। ये आदमी अपना ATM मतलब सारी चीज़ें खो रहे हैं, हम अपना बैग खो रहे हैं, ये आदमी अपना ATM खो चुका है। मैंने अभी लुधियाना की जर्नी स्टार्ट भी नहीं की है और इस आदमी को देखो, ये अभी समोसे खाने लगा है। ये देखो ध्यान से देखिए इस मोटे आदमी को, अजीब जानवर है ये, कितना भी खा ले भूखा रहता है। बोलते ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये देखो हमारा पंकज जब पहुंच गया है अब इन्हें भी खाना है। मतलब अभी पता चले योगेश आ रहा है उसे भी खाना है, हमारी भी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई यार। मतलब बैग मिल गया हमारा तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए हम व्लॉग बना रहे हैं, नहीं तो जब बैग खोया था नहीं व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये आ रहे हैं मिस्टर ऑगस्ट अपना बोरिया बिस्तरा पैक करते हुए। आ रहे हैं बैग लेने। सर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? हम लोगों को जल्दी जल्दी जाना है और जल्दी जल्दी लौट के आना है, बीच में खाना है, रुकना नहीं है। तो ये शुरू नहीं हो पाई अभी से, और नहीं और जहाँ पे हम कल गए थे परसों गए थे वहाँ में नहीं जाना है प्लीज़, मैं पहले से ही कह के जा रहा हूँ। बीच में अगर हम लोगों का मूड चेंज हुआ तो जा भी सकते हैं। हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं लेकिन ये खा के आ जाए माशे। और हम वापस से दिल्ली की तरफ भाग कर और यहाँ पर ये देखो यहाँ चंबल की घाटियाँ हुआ करती थी, अब है नहीं। तो देखो पीछे तक यह है चंबल की घाटियाँ। हम ऑलमोस्ट लगभग आगरा पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लोग पेड़ों को पानी देते हुए और हम अभी आगरा में रुकेंगे, पेट्रोल डलाएंगी एंड देन मतलब ऐसा है कि मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, मैं एक्साइटमेंट या नर्वसनेस में मेरा पेट भी एक्साइटेड हो जाता है। तो समझो ये आदमी बाहर से आया है तो हमारा पेट एक्साइटेड है, तो हम अभी हमें रुकना पड़ेगा कहीं। हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ चुके हैं एंड हमने पेट्रोल नहीं डलाई थी क्योंकि ये महाशय ने बोला था हम ऐसे करके जाएंगे ऐसे घुमा के, तो घुमाने के चक्कर में पेट्रोल डलाना भूल गए एंड अभी हमारी पेट्रोल एकदम ये मतलब अंतिम पड़ाव पर है। ये देखो एकदम अंतिम पड़ाव पर और अभी हम भगवान भरोसे चल रहे हैं कि पेट्रोल पम्प तक गाड़ी पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर पेट्रोल पम्प कहाँ है नहीं पता। पेट्रोल ना होने के कारण मैं भाई गाड़ी भी धीरे धीरे चला रहा हूँ, देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं आप 135 पे चल रही है तो बस हम लोग ये दुआ कर रहे हैं पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए, हमें धक्के ना देने पड़े। तो धक्के भी देंगे तो कितना देंगे, अब हमें क्या पता कि 15 किलोमीटर बाद है, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो जस्ट प्ले पेट्रोल पंप तक हम पहुँच जाए, हम आपको मिलते हैं गाड़ी की धक्का देते हुए गाड़ी पेट्रोल भरवाने के बाद या फिर पेट्रोल भरवाने के बाद। जैसा हम बोलते हैं कि मरता क्या ना करता, हम लोगों ने गूगल मैप पे डाला हम यमुना एक्सप्रेस वे से उतर आए हैं नीचे जंगलों में ये जंगलों में जा रहे हैं क्योंकि हमें गूगल भाई साहब ने एक दिखाया है पेट्रोल पंप, तो अभी 2.6 किलोमीटर बचा है, हम बहुत देर से चल रहे हैं, लाइक 6-8 किलोमीटर कुछ था।
अभी ये कार वाला आदमी हमारे आगे सेट नहीं रहा है, जैसा लग रहा है ये पेट्रोल पंप तक छोड़ के आएगा हमें, तो बस देख रहे हैं पेट्रोल मिल जाए। पता चले गूगल बोले नहीं भाई साहब उल्टी तरफ से घूम के आना है 30 किलोमीटर, ना हमें अपना एक्सप्रेस वे कर रहेंगे और ना हम पेट्रोल घूम के रहेंगे। तो वी आर होपिंग कि हमें पेट्रोल पम्प मिल जाए एंड हम पेट्रोल पम्प पहुँच के फिर आपको बताते हैं पेट्रोल मिला या नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके बताइए, टेस्ट करके बताइए कैसा था, कैसा रहता है सब्र का पेट्रोल, सब्र का पेट्रोल। पेट्रोल मिल गया है गाइस जब से। अब हम यहाँ से फिर हमें एक्सप्रेस वे जाना पड़ेगा, एक घंटा बारह बर्बाद हो गया पेट्रोल के। हमने पेट्रोल डला लिया, पेट्रोल डला के हम आ गए हैं फुल करा के, कुछ खाना पीना खा के और हमारा बस थोड़ा सा ये कट गया कि हमने आउटसाइड गए थे पेट्रोल डलाने, वहाँ पेट्रोल डलाया एंड फिर वापस एक्सप्रेस वे पे आए, तो 5 किलोमीटर बाद ही एक और पेट्रोल पंप और जहाँ हम खाना खाने हैं वो सब था, बट रिस्क नहीं लेने का भाई। तो मिलते हैं अभी हम, जरा हम हमारा पेट एक्साइटेड है, हम पेट को भी एक्साइटमेंट शांत करके आते हैं। हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं एंड यू कैन सी हमने मास्क निकाल लिए हैं बिकॉज पुलिस वाले विल आस्क फॉर मास्क, और नहीं दिए मास्क तो लगा देंगे 2000 का चालान। आई डोंट नो अभी लग रहा है कि चालान नहीं लग रहा, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। और हम दिल्ली पहुंच गए हैं, क्या टोल है ये, टोल ये कहाँ का टोल है, क्या टोल बना है, मस्त एकदम मस्त मस्त टोल बना है। हम थोड़ा लेट हो गया, हमने अंदर रखा हुआ था कैमरा। सो जस्ट एन क्विक अपडेट, हम लोग ऑलमोस्ट लगभग कहीं पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हमें 5 घंटे लगेंगे लुधियाना पहुंचने में। स्टिल ट्रैवलिंग, हम पहुंचने वाले हैं लुधियाना, 100 किलोमीटर के आसपास बचा है, तो हमें बहुत ज़ोर से चाहस लग गई थी, तो हमने कहा चाय पी जाए फिर आगे बढ़ा जाए, हम थोड़ी सी चाय पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक हम निकलते हैं बाहर। और अरे मोरी भैया पाँव भारी हो चुके हैं, सीरियस नज़ारा, रात का नज़ारा, हाईवे का नज़ारा, हाईवे ये देखिए, ये हमारे बहुत ही हैवी ड्राइवर, हैवी ड्राइवर है एकदम, और हमारी चाय बनने लगी है और यहाँ पर हमारी चाय तैयार करते हुए हमारे भ्राता श्री। तो हमारी चाय आ चुकी है विद टोस्ट, और हम चाय इसके बिना हम जी नहीं सकते, वो ये काम चल ही जाता है। तो गाइस फाइनली हम लोग लुधियाना पहुँच गए हैं एंड जिस बंदे से हम बैग लेने जा रहे हैं उन्होंने अपनी लोकेशन भेज दी है एंड अभी शायद 9 किलोमीटर दूर है एंड हम लोग ट्रैक करके पहुंच रहे हैं। तो वहाँ हम पहुंच गए, मैं उनका इंटरव्यू नहीं लेने वाला, पंकज विल बी रिकॉर्डिंग द एक्सचेंज ऑफ द बैग्स। पंकज आ गए लोकेशन पे, आ गए मैं रॉयल मैपल करके, वही है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई इशू डेकोरेशन ऑफिस में बैठना कोई बात नहीं आ रहा जी
पढ़े लाओ किसे नहीं जी ऐसा आगे जान के इतनी दूरों आए हैं बिल्कुल जिम्मे कहने हमने ना पता नहीं की पता ऐसे करके खा के भी जाने काम पे लिखा के भी जान गए दोनों काम करके जाइयो ऐसा ना पीने पंजाब से आए हो फिर भी मतलब ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀ मैं पाजी थोड़ा एक काम है मैं करना था अल्लाह भाई किससे भी हो गया हो गया आजो आजो मोटर चलाओ किससे आजो सर बैग अपना भर लीजिए गाड़ी को हां मैं गाड़ी में खड़ा हूं बाहर को थैंक यू सर थैंक यू अच्छा भी है बोलिए हम लोगों ने शादी के बीच में जाके अपने बैग एक्सचेंज कर लिए शादी के बीच में जाके अपने बैग एक्सचेंज कर लिए आप लोग देख ही रहे हो एंड अब ये व्लॉग में डालूंगा अब उन लोगों ने बड़ा इंसिस्ट किया कि खाना खा के जाओ एंड हम खाना खाते हैं फिर चलते हैं नहीं तो जी तो बता दो पॉइंट पा रहे थे आपके सामने सब बिल्कुल नहीं बताया तभी तो हम लोग आ गए थे सभी कुछ आपके सामने तो गाइस हम लोग लाइक सबसे यूनिक चीज हम लोग अपना बैग एक्सचेंज कराने आए थे अब हम बैठ के खाना खा रहे हैं ये हैं तनवीर भाई जिनसे हमारा बैग एक्सचेंज हुआ था अब हम इनकी शादी में बैठ के खाना खा रहे हैं आपकी सिस्टर की शादी है रे हाँ सिस्टर की शादी अब हम ये देखिए आप मतलब हम लोग चड्डा पहन के बैठे हैं ये खाना चल रहा है ये शादी चल रही है लेकिन एट दी एंड हमारा बैग मिल गया दोनों का एंड वो बैग ही इसलिए एक्सचेंज हुआ था कि आपने हमारे साथ शादी शादी तो अब हम मिलते हैं आपको खाना और इतनी दूर से आपको बस गाइस फाइनली हम लोग लाइक ये एकदम अलग एक्सपीरियंस था हमारा बैग एक्सचेंज हुआ हम आए उन लोग के यहाँ शादी थी एंड लाइक शादी में हमने बैग एक्सचेंज किए उन्होंने हमें खाना वाना खिलाया एंड लाइक I'm really grateful and मैं IRCTC को बोलूँगा मतलब दिल से थैंक यू बोलूँगा उन लोगों को IRCTC को एंड रेलवे सेवा जो मैंने जिन्होंने मेरी हेल्प की RPF एंड सबसे लाइक हमें एक फिरोजपुर के कंट्रोल रूम में एक लेडी हैं उन्होंने हेल्प की एंड कॉन्टेक्ट नंबर निकालने में सो लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन सो थैंक यू सो मच अब हम चलते हैं घर की तरफ वापस आप लोग हमारी हालत देख रहे हो मतलब मेरी हालत देख रहे हो नींद आ रही है बहुत ज़ोर से इस आदमी को अभी भी नींद नहीं आ रही है ये आदमी अभी भी चला रहा है एंड मैं जा रहा हूँ पीछे सोने अभी हम रुके हैं ढाबे पे चाय ये देखो क्या चाय आई है क्या चाय चाय चिप्स बोले चाय लेस चिप्स बोले चाय गरम चाय आप बोले साहब चाय तो हम चाय पीते हैं गुड मॉर्निंग हम लोग रात में रुक गए थे आराम से थोड़ा बहुत सोया अभी हम दोबारा से निकले हैं 5:30 बज रहे हैं सुबह के अभी हम बाला से निकले हैं से कुरुक्षेत्र बचा है 8 किलोमीटर दिल्ली बचा है 170 किलोमीटर समथिंग हम दोबारा से चले हैं एंड देखो हम कहाँ स्टॉप लेते हैं कहाँ नहीं लेते हैं जस्ट हमारी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए तो गाइस आप लोगों ने देखा हम लोग बैग वैग वापस लेके आ गए थे एंड सारा कुछ आपने देखा कितना सही था सब तो अभी इस वाले ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं सो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो